Good morning, everyone. Continuing with our next topic, regulation of multinational corporations. लास्ट लेक्चर में हमने किए मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या थे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के, और वहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो MNCs हैं वो मोटिवेटर्स का काम करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब जो इंटरेस्ट है MNC का और जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे MNC ऑपरेट करेगी वो मैच करे, उसमें सिमिलैरिटी हो। तो जो एडवांटेजेस हैं, जो मेरिट्स हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते हुए टाइम, जो कंट्रोल करेंगी नेगेटिव इफेक्ट्स MNCs के। देन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर MNCs, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल करने की MNCs को इंडिया में, वो फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन बोर्ड। इन एजेंसीज के अलावा जो गवर्नमेंट है उसने इनैक्ट किए हैं कुछ एक्ट्स, फ्रेम की है सर्टेन पॉलिसीज जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा, जो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है MNCs को। जो मेन रेगुलेशन है वो क्या है, रिस्ट्रिक्ट करना इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी को फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन असेंशियल आइटम्स, और उन एरियाज में जहाँ पर जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है और वो सफिशेंट है। देन फिक्स करना मैक्सिमम लिमिट पेमेंट की ऑफ रॉयल्टी टू 8% ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड 5% ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। देन परमिसेबल पीरियड जो है एग्रीमेंट का एट वन टाइम, दैट इज फिक्सड एट 5 years, however जो गवर्नमेंट है वो उसे फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। देन इक्विटी पार्टिसिपेशन जो MNC का है वो रिस्ट्रिक्ट करना कुछ एरियाज में, और इन सर्टेन एरियाज इट इज लिमिटेड अप टू अ स्पेसिफिक परसेंटेज। देन फॉर अट्रैक्टिंग MNCs इन डिजायर्ड एरियाज, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन बोर्ड है उसे सेटअप किया गया है MNCs के लिए, प्रोवाइड करवाई गई है एक ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटी जो इनकरेज करेगी इनफ्लो FDI का। देन रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑन सर्टेन MNCs हैव बीन इम्पोज्ड, एक सर्टेन परसेंटेज जो उनका आउटपुट का होगा वो उन्हें कंपल्सरली एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। देन रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो मैन्युफैक्चर कर रही है MNCs उनके ऊपर इम्पोज की गई हैं, और MNCs को वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फॉलो करनी है। देन MNCs जो आ रही हैं कंट्री में और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अप टू 5,000 करोड़ रुपीज़, उन्हें क्लियरेंस चाहिए कंसर्न मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट एक्सीड करती है 5,000 करोड़ रुपीज़ से तो उसे क्लियरेंस चाहिए होगी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से। देन MNCs को फॉलो करनी होगी गाइडलाइंस जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में फ्रेम हुई है टाइम टू टाइम। देन जो नेक्स्ट है, दैट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर MNCs। लीगल कंट्रोल के अलावा जो UN जर्नल असेंबली है उसने कुछ सर्टेन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम किया है MNCs के लिए, लेकिन ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है MNCs के ऊपर, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ होस्ट कंट्री। तो जो मेन प्रोविजंस है कोड के वो क्या है, टू फॉलो द डोमेस्टिक लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ होस्ट कंट्री, इंडल्ज नहीं होंगी किसी भी अनफेयर और करप्ट प्रैक्टिसेस में जैसे डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, फॉर्मिंग कार्टल्स, रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, लोअरिंग कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा, कंडक्ट करेंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी, टाइमली पेमेंट करेंगी टैक्सेस एंड ड्यूटीज की, फेयर ट्रीटमेंट देंगी इम्प्लॉयज को, गुड वर्किंग कंडीशंस, गुड सैलरी उन्हें प्रोवाइड करवाएंगी, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होंगी, वर्क नहीं करेंगी अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ होस्ट कंट्री, फॉलो करेंगी सोशो कल्चरल वैल्यूज को होस्ट कंट्री की, और इंटरफेयर नहीं करेंगी पॉलिटिकल अफेयर्स में होस्ट कंट्री के। देन नेक्स्ट इज पॉलिसी रिगार्डिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। प्रियोरियर टू लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, जो गवर्नमेंट की प्रियोरियर अप्रूवल थी वो नेसेसरी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल केसेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
जो इन्वेस्टमेंट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की वो लिमिटेड थी 40% तक ऑफ इक्विटी कैपिटल, लेकिन कीपिंग इन व्यू द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फर्म्स और रैपिडली चेंजिंग इंटरनेशनल सिनेरियो, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की थी उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए रिगार्डिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो बहुत लिबरल थे. एज पर द न्यू पॉलिसी जो MNCs हैं उन्हें फ्रीडम दी गई है कि वो इन्वेस्ट कर सकती हैं अप टू 100% ऑफ शेयर कैपिटल इन सर्टेन इंडस्ट्रीज. अंडर न्यू पॉलिसी जो इन्वेस्टमेंट MNCs कर रही हैं इंडिया में उसे इनकरेज किया जा रहा है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने अलग से फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन बोर्ड जो है उसको सेटअप किया है. और इस बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट किया जाए अपनी कंट्री में बाय इनकरेजिंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया. और एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में. सिंस 1991 जो गवर्नमेंट है उसने सेंक्शन की है 7898 फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशंस और 15998 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स विद मल्टी नेशनल्स. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सजेशंस फॉर रेगुलेटिंग MNCs. फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरफेयरेंस. जो होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट है उसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने चाहिए इन द मैनेजमेंट ऑफ दीज कॉरपोरेशंस जो MNCs हैं उनकी मैनेजमेंट में, और इंटरफेरेंस जो रिप्रेजेंटेटिव्स का है जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स का है उनका मस्ट होना चाहिए उन मैटर्स पर जो इन्फ्लुएंस करेंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऑफ द होस्ट कंट्री. और ये क्लियर कर देना चाहिए MNCs को कि अगर वो फंक्शन नहीं करेंगी इन द इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री तो उन्हें नेशनलाइज किया जा सकता है. तो जो नेशनलाइजेशन का जो फियर है वो MNCs को रोकेगा फ्रॉम इंडल्जिंग इन माल प्रैक्टिसेस. देन नेक्स्ट इज लोकेशन. MNCs को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपने प्लांट्स वहाँ पर एस्टैब्लिश करें जहाँ पर बैकवर्ड एरियाज है. तो ये हेल्प करेगा इन करेक्टिंग द रीजनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम और अचीव करने के लिए हेल्प करेगा रीजनल डेवलपमेंट को कंट्री में. देन नेक्स्ट इज सुपरविजन. गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को सुपरवाइज करनी चाहिए एक्टिविटीज MNCs की, और ताकि जो अनडिजायरेबल इफेक्ट है उनकी एक्टिविटीज़ का MNCs का उसे टाइमली डिटेक्ट किया जा सके. देन नेक्स्ट इज बेनिफिशियल कोलेबोरेशंस. जो गवर्नमेंट है उसे फॉलो करनी चाहिए अलाउ करना चाहिए कोलेबोरेशंस MNCs का उन एरियाज में जहां पर डोमेस्टिक सेक्टर पीछे है. देन नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए ये रिक्वायर्ड होना चाहिए कि वो स्पेंड करेंगे अपने प्रॉफिट का एक पार्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फॉर द बेनिफिट ऑफ होस्ट कंट्री. देन सेटिंग अप ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज. MNCs को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो सेटअप करें बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज. देन चेक ऑन मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज. गवर्नमेंट को क्लोज वॉच रखना चाहिए मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोलिस्टिक टेंडेंसीज जो MNCs कर रही हैं टू कंट्रोल द मार्केट, और इन कॉरपोरेशंस को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करें या लोकल प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉयट करें. देन लेस डिपेंडेंस. एज फार एज पॉसिबल जो डिपेंडेंस है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ऊपर उसे मिनिमम रखना चाहिए, और इसको अचीव करने के लिए प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए जो प्रमोट करे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को. इन शॉर्ट अगर कहें तो जो MNCs आप सेटअप करते हो वो इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सिर्फ तब जब जो इंटरेस्ट है होस्ट कंट्री के और जो MNCs के इंटरेस्ट हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी हो जो एक्चुअल में नहीं होती है. तो जो गवर्नमेंट है अंडर डेवलप कंट्रीज की उन्हें चेक रखना चाहिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स MNCs कर रही हैं उनके ऊपर. नो डाउट इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हो सकता है वो कम आए अंडर डेवलप कंट्रीज में, लेकिन लॉन्ग रन में जो इफेक्ट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इन कंट्रीज का वो फेवरेबल होगा. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिया एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. एज एन अंडर डेवलप कंट्री इंडिया वन ऑफ दोज कंट्रीज है जिसने एडमिट किया है कंपल्शन इन्वाइट करने का फॉरेन कैपिटल का. ये था 1991 की जो पॉलिसी आई थी जब LPG को एक रिस्ट्रिक्शन की तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में कि ये कंडीशन है अगर आप इनको अलाउ करोगे तो
तो जो फंड्स हैं इंडिया को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और उसमें जो एक कंडीशन थी वो ये थे कि आप एमएनसीज को अलाउ करेंगे। तो अमंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो भी एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है। तो फॉलोइंग एमएनसीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, फिलिप्स, पेप्सी, कोको कोला, ग्लेक्सो, कैबरी, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, फिजर, बीपीएल, सीट, एमआरएफ, रिबॉक, नाइक, वोडाफोन एक्सेट्रा। जो साइलेंट फीचर्स हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के जो ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में वो क्या है? सबसे पहला, मेन इन्वेस्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? मोस्ट ऑफ दी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन दी फॉर्म ऑफ एमएनसीज वो आ रही है मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएसए, यूके, जापान, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी से। देन मेन वर्किंग एरिया क्या है जो एमएनसीज ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में? लार्ज नंबर ऑफ एमएनसीज जो हैं वो हैं इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंश्योरेंस, कंज्यूमर गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ कैपिटल। जो लार्ज नंबर ऑफ सब्सिडरीज हैं एमएनसीज की जो ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में, वो जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो उन्हें चाहिए होते हैं वो मोबिलाइज करती हैं फ्रॉम विद इन इंडिया। देन नेक्स्ट इज योर हाई रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर्ड टू जो आपकी इंडिजीनियस कंपनीज हैं। रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो है एमएनसीज की वो बहुत ज़्यादा हाई है ड्यू टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग सुपीरियरिटी, इंटरनेशनल इमेज, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है एमएनसीज का वो ज़्यादा हाई है देन डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज। देन नेक्स्ट इज लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। जो ट्रांसफर है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का बाय एमएनसीज टू इंडिया वो बहुत लिमिटेड स्केल पे हुआ है। मोस्टली जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वही इंडिया में प्रिवेल कर रही है। देन नेक्स्ट इज नो रियल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। जो एक्सपोर्ट्स एमएनसीज करती है वो मेनली उन्हीं कन्वेंशनल गुड्स में करती है जिनमें इंडिया ऑलरेडी करता आ रहा है, जैसे टी, टबैको, लेदर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये जो गुड्स वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो एमएनसीज की एंट्री से पहले भी कर रहा था, तो कोई ज़्यादा रियल इंक्रीज नहीं हुआ है इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ द कंट्री। देन नेक्स्ट इज हैवी रेमिटेंसेस टू एब्रॉड। जो रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का वो बहुत हाई है। जितना भी वो प्रॉफिट कमाती है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है जो उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का था वो अपने हेड ऑफिस को भेज देती हैं बाय वे ऑफ रॉयल्टी एंड डिविडेंड। द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट सीलिंग। बिफोर 1991 जो मैक्सिमम लिमिट था एमएनसीज के लिए इन इक्विटी पार्टिसिपेशन वो 40% था। इसका मतलब जो एमएनसी है वो सिर्फ 40% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती थी इंडियन कंपनीज के। लेकिन इन 1991 एज पर फॉरन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये जो लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी गई थी बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे एरियाज में 100%। द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 1991 सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंडिया में। 2017-18 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो था 60974 मिलियन यूएस डॉलर्स। बिकॉज ऑफ परमिशन ऑफ 100% इक्विटी पार्टिसिपेशन जो नंबर है एमएनसीज का इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है मैनी फोल्ड, और जो बहुत सारी एमएनसीज हैं वो एंटर की हैं हमारी इकोनॉमी में इस पीरियड में, जैसे एलजी, सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक, थॉमसन एक्सेट्रा इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। देन नेक्स्ट इज इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जो इंडियन एमएनसीज हैं वो भी अपने आप को स्प्रेड कर रही हैं इन द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय एक्वायरिंग फॉरेन कंपनीज इन अदर नेशंस। इसका मतलब है कि जो इंडियन एमएनसीज हैं वो भी इन्वेस्ट कर रही हैं अपने फंड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये इंडिकेट करता है ग्रोइंग इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर को। कुछ इंडियन एमएनसीज जो स्प्रेड कर रही हैं अपने आप को ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में वो कौन कौन सी हैं? टाटा स्टील, हिंडलको, स्टेरलाइट, जिंदल स्टील एंड पावर, भारत फॉर्ज, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, सुजलोन एनर्जी, रेनबैक्सी, टाटा केमिकल्स, टाटा टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स। तो इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 ग्लोबलाइजेशन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।